Rawalpindi Express has left the station, that's for sure. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल। और मैंने आपको बताया था कि मैं लाहौर के निकल पड़ा हूँ। चल ये शुरू हो गया अपना टोल प्लाजा इस्लामाबाद, सो जस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम इस्लामाबाद फ्रॉम दिस टोल प्लाजा। और यहाँ पे बस अभी हम इंटर करेंगे, फिर हम सीधा कदर कहार वैली के लिए। Just crossing this beautiful valley called Kalar Kahar. Kalar Kahar a bahut purani old civilization hai aur iski main footage bataunga aapko. Aur ye Kalar Kahar jo hai yahan pe Maharaja Shiv yahan pe rahe hain aur unki ladai hui thi Ramchandra ke sath aur then he is able to conquer this land and beaten the Ramchandra along with the help of the Hanuman. So ye ek story hai aur lekin ye baat sach hai ki yahan pe ye jo civilization hai ye hinduon ke liye badi bahut purani badgah hai aur ye jagah jo hai takriban kehte hain 200 and 300 BC qabl masih। मैं उसको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ आपको, शायद थोड़ी मुश्किल उर्दू बोल रहा हूँ। कबल मसीह का मतलब जस्ट बिफोर क्राइस्ट, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 200 या 300 साल पहले की ये जगह है। और यहाँ पे महाराज शिव और उनका जो शिवलिंग है वो भी यहीं पे हैं और ये बहुत पुरानी बादशाह है इनकी। यहाँ पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ लैंड है। शिवा साहब का बेगम, शिवा साहब की जो बेगम थी वो वफात पा गई, फौत हो गई, और उनके फौत होने से वो बहुत उदास हुए और वो इतना रोए कि उनके रोने से एक झील बन गई और उस झील को आंसू वाली झील कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे हिंदू जो दोस्त हैं हिंदुस्तान से और विद इन पाकिस्तान से वो आते हैं यहाँ पे, स्नान जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे वो स्नान करते हैं, यहाँ पे वो पवित्र होने की कोशिश करते हैं, जैसे कोशिश कहते हैं जैसे शावर लेना जिसे हम या नहाना जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे करते हैं। आंसू वाली झील कहते हैं इसको। वो अपनी बेगम के लिए रोए, इनके नाम साथी था, सती ज़्यादा वर्ड है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बैठ के रोए, तो इसको आंसू वाली झील कहा जाता है। ये कलर कहार है जहाँ से हम उतरेंगे नीचे। So it's a beautiful roads of Pakistan, it's a beautiful motorways of Pakistan. You can see nazara, dekhiye kitna khoobsurat hai yahan pe. Ye Pakistan ka jo road network is I think one of the best in the world that I have seen. Pakistan has to be in top 5, and the people who never visited this piece of land must come and see. Look at this. Aage kare, so it's a beautiful landscape. So मैंने आपको बताया था ये पीछे अगर आप देखें तो ये कलर कहार वैली है सारी, और कैमरा यहाँ पैन करें जरा, ये सारा वैली है ठीक। और यहाँ से आप बोलते ये 3000 ईयर ओल्ड वैली है, इसको बड़े खूबसूरत मोटरवेज बनी हुई है। और मैं यहाँ पे उतरा हूँ, मैंने आपको दिखाना चाह रहा था, और ये मेरे सारे फैन खड़े हुए हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, ये मैंने किराए के नहीं बुलाया, मैंने खुद खुद गिर के। कैसे जा रहे हो, लाहौर जा रहे हो? बस जल्दी जल्दी तस्वीर में जल्दी ले। तुम्हें जिस जगह के बारे में पता भी है कि नहीं? कलर कहार इसमें कितनी पुरानी जगह है? ये काफी पुरानी है। काफी पुरानी है, कटास राज यहाँ पे होता था, अभी भी है? कितने साल पुराना है? यही मैं आपको बताना चाहता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कटास राज के बारे में। तो यहाँ महाराज शिव ने लड़ाई लड़ी थी ठीक, और यहाँ पे उनका मंदिर है शिवलिंग। सो करतारपुर तो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ये जो जगह है ना ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी है और हिंदुओं के लिए बड़ी सीक्रेट हिस्टोरिकल प्लेस, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे जो लोग हिंदुस्तान में वो देखें, क्योंकि बादशाह है और हमारे लोग कितना है
बड़ा प्यार चल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में, इनको नहीं पता, दुनिया को, दुनिया देखते नहीं ना हमारे रोड नेटवर्क से देखे। और ये मैं अभी बता रहा था कि इंडियन टीम ने भी यहाँ पे ट्रैवल किया था, तो वो काफी उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे इस मोटरवे को भी और इस इलाके को भी, वो काफी खुश हुए थे। खुश हुए, चलो मैं आपको, मैं से बहुत खुश हुआ। ठीक है, देखिए भाई, थैंक यू गाइस। हाँ जी, अब हम खड़े हैं, ये जगह आप देख रहे होंगे तो पिंड दादन खान कहते हैं और खेवड़ा सॉल्ट माइन लीला शरीफ। लीला शरीफ एक मज़ार है बहुत बड़ा यहाँ पे। खेवड़ा सॉल्ट माइन के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपको बताओ पिंड दादन खान के बारे में। यहाँ पे रेहान अल बरूनी साहब, यहाँ पे आप आए बैठे, इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पे आपने ज़मीन का पत्थर निकाला था बैठ के। द लेंथ ऑफ द लैंड, लेंथ ऑफ द आर वर्ल्ड जो निकाली थी इन्होंने, वो यहाँ से बैठ के निकाली थी पिंड दादन खान के, पिंड दादन खान में बैठ के। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मोटरवे से गुजर जाते हैं और बहुत सी दुनिया को नहीं पता, उस लेंथ ऑफ द वर्ल्ड जो आज गूगल के मुताबिक 16 किलोमीटर शॉर्ट थी, ये इन्होंने निकाली थी यहाँ से बैठ के। सो पिंड दादन खान यहाँ पे, खेवड़ा सॉल्ट माइन जो है यहाँ पे सिकंदर आजम की फौजें रुकी थी और इनके घोड़े, सिकंदर के घोड़े ज़मीन चाटना शुरू हो गया था और सिकंदर ने पूछा था यहाँ पे कि ये घोड़े ज़मीन क्यों चाट रहे हैं। तो देन तहकीक करने के बाद पता चला कि यहाँ पे नमक है नीचे। खेवड़ा सॉल्ट माइन द बिगेस्ट माइन इन पाकिस्तान, जो ये थोड़ा सा यहाँ से दूर जाके एक घंटा दूर है यहाँ पे है। और यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, ये भी और बहुत खूबसूरत जगह है, खेवड़ा सॉल्ट माइन और पिंड दादन खान। अल बरूनी साहब यहाँ बैठे हुए हैं और हमें पता ही नहीं लगा, बट एनीवेज दिस इज द प्लेस यू मस्ट विजिट। ये देख रहे हैं सारा, ये बड़ा ज़रखेज इलाका है, यहाँ पे सारे सारा सारा वो देखिए कटास राज पीछे वो पहाड़ अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इसे सॉल्ट रेंज भी कहते हैं। ये इसे नमकीन, ये जगह जो है नमक से भरी हुई थी, सॉल्ट रेंज कहते हैं, लेकिन द पीरियड टाइम इस पर काश्तकारी होती रही है और वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस लैंड। बट दिस लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी दिस कंट्री हैज अ लॉट ऑफ सिविलाइजेशन। हिंदू का मज़हब यहाँ से निकला है और बुद्ध मत यहाँ पे आपके पास टेक्सला में है और दिस इज़ अबाउट अ 3000 ओल्ड सिविलाइजेशन यहाँ पे बेस्ड आउट थी और यहाँ पे ज़मीन की लेंथ भी निकाली गई थी। सो आई थॉट आई टेल यू, सो इसी वैली की बात कर रहा था आपके साथ कटास राज और ये कलकार वैली है और मज़े की जगह है यार। आप डू कम है, डू विजिट पाकिस्तान, इट्स ब्यूटीफुल, सेफ, इट्स नाइस, आई लुक एट दिस वैली यार। ये तो अभी मैं अभी आपको कलकार के बारे में बता रहा हूँ, ये एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, बट यू मस्ट सी द नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत सात और नारान गगान अगर आप जाएँ, चित्राल, स्कर्दू, ये बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में और इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स अमेजिंग। सो दिस इज अबाउट अ 3000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ हिंदूज यूज्ड टू लिव हियर और हमें चेरिश करना चाहिए। बट बाय द वे रिस्टोरेशन के लिए, रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए अपना इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा था रिस्टोर करें जगह और इसको सही करें और दोबारा कर रहे हैं इसको और कटास राज को दोबारा और खोलने की कोशिश कर रहे थे और अभी ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इट्स गोना बी अ साइट टू विजिट एंड आई डू इनकरेज माय पीपल टू सी दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। Rawalpindi Express हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट्स फॉर श्योर।